मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। किशोर दा का ये गीत बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट कहे जाने वाले आमिर खान की जिंदगी के कुछ पल पर एकदम परफेक्ट बैठता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो जनाब हम आपको बता दें कि आमिर खान का पहला प्यार उनके सामने वाली खिड़की में ही रहता था। साथ ही आमिर खान का घंटों अपनी खिड़की पर खड़े रहकर अपने प्यार को निहारना सामने वाली खिड़की वाले शख्स को रास नहीं आता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे आमिर खान की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिनसे शायद आप अनजान हैं। आज हम आपको आमिर खान की उस दीवानगी की हद के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने प्यार में पार कर दी थी। आमिर खान आज बॉलीवुड के सुपरस्टार में से एक हैं। आमिर खान का जिसके सर पर हाथ हो उसकी किस्मत बनना तो तय है। आमिर खान के चाहने वाले हजारों और करोड़ों में हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आमिर खान किसी के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने अपने खून से लेटर लिखकर अपने प्यार का इजहार किया था? जी हाँ, आमिर खान की सामने वाली खिड़की में उनकी पहली पत्नी रीना दत्त रहती थी। रीना दत्ता आमिर खान के घर के सामने ही रहती थी। आमिर खान अपने झरोखे से रीना को घंटों निहारा करते थे, लेकिन रीना आमिर खान को बिल्कुल भाव नहीं देती थी। आमिर रीना के एक तरफा प्यार में बंधे जा रहे थे, प्यार परवान चढ़ रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी आमिर रीना के दिल में जगह नहीं पा रहे थे। एक दिन आमिर के प्यार की इम्तिहान हद से पार हो गई। आमिर ने रीना से इजहार मोहब्बत करने का ऐलान कर लिया था और लिख दी थी अपने खून से मोहब्बत की कहानी। रीना के लिए आमिर ने अपने खून से जो लेटर लिखा उसे देखकर रीना को काफी गुस्सा आया और उन्होंने आमिर खान को खूब डांटा। लेकिन आमिर खान ने शायद अपने प्यार की लौ उनके दिल में इस लेटर से जगा दी थी। रीना भी देखते ही देखते आमिर खान से प्यार करने लगी। साल 1986 में रीना और आमिर खान ने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस शादी को काफ़ी गुपचुप रखा गया क्योंकि उस समय कयामत से कयामत तक की आमिर खान शूटिंग कर रहे थे और रीना भी स्कूल की स्टूडेंट थी। इस शादी को इसलिए छुपाया गया क्योंकि दोनों का मजहब अलग था। परिवार वाले इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते। शादी के कुछ सालों बाद परिवार भी मान गया। आमिर और रीना भी खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ गए। इन दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा जुनैद और बेटी इकरा। लेकिन अपनों को वो मिर्जा गालिब का आपने शेर सुना होगा कि शायरी तो ये है कि इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब की लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। प्यार का मौसम निकल गया। एक ही घर में दो प्यार करने वाले सालों बाद अनजान हो गए। आमिर जल्द किसी और के प्यार में पड़ गए थे। आमिर ने 2002 में रीना से अलग होने का फैसला कर लिया था। तलाक के बाद अपने अपने बयान में आमिर खान ने ये कहा कि रीना और उनके लिए अलग होना बेहद परेशानीपूर्ण और बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। हम दोनों ने इसे बहुत ही बेहतर तरीके से निपटा और आगे बढ़ने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब भी उनके मन में रीना को लेकर इज्जत बिल्कुल कम नहीं हुई है। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने किरण राव के साथ शादी कर ली। तो ये थी रीना और आमिर खान की लव स्टोरी। भले ही इन दोनों का तलाक हो गया हो, लेकिन ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।